व्यक्ति भूल करता है, ऐसे पार्टी से भी भूल हो सकती है, इसलिए राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते मैं उस बात के लिए दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा चाहता हूँ। जब भारतीय जनता पार्टी ने आपको नोटिस दिया तो मेरा अंदर से दिल दुखा। आपने मुझे नहीं कहा, पर मैंने प्रदेश के सब नेताओं से कहा कि ये बहुत गलत किया है आपने, जयंत मलैया जैसे नेता को तैयार होने में दशकों लगते हैं, दशक तपस्या करना पड़ती है तब जयंत मलैया तैयार होता है, ऐसे नेता नहीं बनता है। वह भूल थी आपको नोटिस देना, क्योंकि जयंत मलैया जैसा व्यक्तित्व तैयार होने में दशक लगते हैं, दशक, एक दशक नहीं कई दशक लगते हैं। जयंत मलैया जी के अमृत महोत्सव में आए हैं और देश की स्वतंत्रता का भी अमृत महोत्सव है। इतनी धीरे आवाज जाना चाहिए क्या? और जिसमें नौजवान भी हैं बहुत बड़ी संख्या में मुझे दिखाई दे रहे हैं, मुझे तो कुछ नहीं, बाकी उनकी नौजवानी भी प्रश्न चुनने लगेगा। इसलिए आवाज़ इतनी बुलंदगी से आना चाहिए कि देश की सीमा पर खड़े हुए नौजवानों को विश्वास हो कि सारा देश हमारे साथ है। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। यहाँ जैन जी के अमृत महोत्सव में शरीक होने के लिए बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ और इस क्षेत्र के सभी नागरिक बंधुओं को भी प्रणाम करता हूँ। मैंने जब इस सभागृह में आया मैं और दूसरा वाला फोटो देखा मैंने, तो मुझे याद आया कि जयंत जी को सबसे पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यालय में माननीय ठाकरे जी के साथ उनके चरण स्पर्श करते हुए देखा था और ठाकरे जी ने इनके सिर पे हाथ रखा था। तो मैंने कहा ये कौन है? तो बोले ये, मैंने कहा स्मार्ट व्यक्ति कौन है? बोले जयंत मलैया जी है। तब मैंने पहली बार उनको देखा था इस हालत में। जयन जी का परिवार इस क्षेत्र में बहुत प्रतिष्ठित रहा और आज यदि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर है तो उसमें मलैया जी के परिवार का बहुत बड़ा योगदान है, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके परम पूज्य पिताजी स्वर्गीय माताजी दोनों के चरण स्पर्श करने का मुझे अवसर मिला है। उस जमाने में जब हम लोग विद्यार्थी परिषद का काम करते थे, जब उनके हाथ का भोजन करने का भी सौभाग्य मिला है। जो पवित्रता थी, जो संगठन के प्रति डिवोशन था, माता पिता के पूरे चरित्र के सद्गुण जयंत भाई में दिखाई देते हैं। उन वही सहजता, वही विनम्रता, वही हसमुख चेहरा और वही साफ गोई, ये जयंत भाई की विशेषता है। एक बार फिर से चाहता हूँ तालियां बजाकर सब स्वागत करें। जयंत भाई, हमने बहुत साथ में काम किया है। मैं समझता हूँ कि आपने इस सरकार में महत्वपूर्ण पदों को संभाला, बहुत सारे मंत्रालय संभाले, हर मंत्रालय में बहुत पवित्रता से काम किया। ये हमारा दुर्भाग्य है राजनीति के हम लोग खिलाड़ी हैं। क्रिकेट की टीम में यदि विराट कोहली की टीम में अच्छा बल्लेबाज हो तो उसे अच्छे बैट्समैन के नंबर मिल जाते हैं, बॉलर हो तो बॉलर के मिल जाते हैं, मैन ऑफ द मैच का खिलाड़ी भी हो जाता है। पर राजनीति में बड़ा मुश्किल है, राजनीति में सारा श्रेय जाता है कैप्टन को ही। आपने बहुत अच्छा काम किया, इरीगेशन मिनिस्टर थे, इस देश की, इस प्रदेश की इरिगेशन की क्षमता को बढ़ाने में आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया, ये मैंने अपनी आंखों से देखा। आप नगरी प्रशासन थे तो इंदौर स्वच्छ शहर बना, मैं पार्षद मेयर सब रहा। आपने जिस नियत के साथ काम किया, मैं कह सकता हूं कि इंदौर स्वच्छ शहर बना उसमें जयंत मलैया जी का बहुत बड़ा योगदान था। मुझे याद आता है कि मध्य प्रदेश में जब वित्त मंत्रालय संभाला और निश्चित रूप से हर राज्य की इस देश के अंदर वित्त की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी जितनी होना चाहिए, पर एक कुशल वित्त मंत्री के रूप में भी मैंने आपको काम करते हुए देखा है। और उससे अलग हटके एक जिंदा दिल इंसान, एक ऐसा इंसान जो हमेशा मुस्कुराता है और साफ बात करता है। जयंत जी, आप विश्वास करें या न करें, आपने बोला भी नहीं मुझे जब
भारतीय जनता पार्टी ने आपको नोटिस दिया तो मेरा अंदर से दिल दुखा। आपने मुझे नहीं कहा, पर मैंने प्रदेश के सब नेताओं से कहा कि ये बहुत गलत किया है आपने, जयंत मलैया जैसे नेता को तैयार होने में दशकों लगते हैं, दशक तपस्या करना पड़ती है तब जयंत मलैया तैयार होता है, ऐसे नेता नहीं बनता है। और इसलिए मैं उससे बिल्कुल नाखुश था और मैंने वह अपनी शिकायत यहां से लेकर दिल्ली तक की, आज तक मैंने किसी को बताया नहीं, आपको भी नहीं बताया, पर आज बता रहा हूं। और मैं राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते, व्यक्ति भूल करता है ऐसे पार्टी से भी भूल हो सकती है, इसलिए राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते मैं उस बात के लिए दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा चाहता हूं। वह भूल थी, आपको नोटिस देना, क्योंकि जयंत मलैया जैसा व्यक्तित्व तैयार होने में दशक लगते हैं, दशक, एक दशक नहीं कई दशक लगते। और जयंत जी, मैं बहुत ही आपका शुरू से फैन रहा और मैं कोई यहाँ आया हूँ तो एहसान नहीं कर रहा हूँ आपके लिए, पर मैं बहुत ही, मेरे कार्यक्रम बहुत पहले से तय थे, 20 तारीख तक मैं एकदम, मेरा शेड्यूल बहुत टाइट था, पर मैंने कहा नहीं, जयंत जी क्या तो जाना पड़ेगा, क्योंकि हर हमेशा थोड़ी 75 वर्ष बनाते हैं, ज़िंदगी में एक ही बार मनाएंगे, तो मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा। मैं बहुत गौरवान्वित हूँ इस समारोह में आकर, और मुझे प्रसन्नता है कि आपने पूरे जीवन के अंदर बहुत अच्छे थे, राजनीति की काजल की कोठरी में लगातार 50 साल काम करने के बाद बेदाग निकलना, ये उदाहरण यदि कोई है तो जयंत मलैया जी। और मुझे बहुत प्रसन्नता है जयंत जी कि आप, आपके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, आपके साथ आपसे कुछ सीखने का मौका मिला, और मैं यदि आज मेरी थोड़ी बहुत एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पहचान है, तो वो प्रभाव उसमें कुछ अंश आपके सत्संग का भी है, आपके साथ रहने का भी है, ये मैं इसको मानता हूँ। एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूँ, आप शतायु हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें हमेशा जीवन भर, और आपके 100 वर्ष जब हों तो एक बार फिर से मैं यहाँ पर आकर आपका अभिनंदन करूं, ये मेरी इच्छा है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हर सफल पुरुष के पीछे कोई महिला होती है, कोई जरूरी नहीं कि वो पत्नी हो, कोई दूसरी महिला भी हो सकती है, पर आपके लिए मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से आपकी सफलता के पीछे भाभी जी का बहुत बड़ा योगदान है, और भाभी जी को भी बधाई दूंगा। और विशेषकर बेटे, देखो बेटे, एक बात बहुत ध्यान रखना जीवन के अंदर, मैं आपको कह के जा रहा हूँ, आपकी पहले की दो पीढ़ी की तपस्या है भारतीय जनता पार्टी में, ऐसा कोई काम नहीं हो कि इस दो पीढ़ी की प्रतिष्ठा में कहीं दाग लगे, इसलिए कोई गलत कदम मत उठाना, उसी राह पर चलना जिस पे आपके पिताजी चले थे, जिस पे आपके दादाजी चले थे। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं बहुत बहुत, और अजय भाई इस आयोजन के सूत्रधार हैं आप, आपको भी धन्यवाद देता हूं। मैं ये संदेश नौजवानों को भी दे रहा हूं और सिद्धार्थ तुमको भी दे रहा हूं, भगवान को हमने नहीं देखा है, पर भगवान हमारे घर में है माँ बाप के रूप, और इसलिए भगवान की सेवा कर ली तो उतना फल नहीं मिलता है यदि माँ बाप की सेवा नहीं की हो तो, और माँ बाप की सेवा करने के बाद भगवान की सेवा करो तो हजार गुना फल मिलता है, एक बार ध्यान रखना जीवन के अंदर। ये जो दुनिया है, ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है, ओ माँ, ओ माँ,
कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ओ ये जो दुनिया है, ये वन है कांटों का, ये जो दुनिया है, ये वन है कांटों फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। देखिए जीवन के अंदर बजाते रहिए। देखिए जीवन के अंदर जिसने भी जन्म लिया है उसने अपनी माँ की कोख में 9 महीने रहा है। यहाँ मोगी जी बैठे हैं, यहाँ भूपेंद्र सिंह जी बैठे हैं, यहाँ हमारे भानोज जी बैठे हैं, अजय विश्नोई बैठे हैं, सब बड़े बड़े लोग बैठे हैं। कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, जब वो 9 महीने के बाद पेट से निकलता है तो शूशु बिस्तर में ही करता है। और ये मां होती है जो खुद गीले में सोती है और बच्चे को सूखे में। सिर्फ माँ, दुनिया की हर मां, ऐसा नहीं कि कोई मेरी मां हो, हर मां। भगवान ने एक बार ब्रह्मा जी टहल रहे थे और विष्णु जी आए, परेशान क्यों हो? बोले मैं दुनिया की रचना कर रहा हूं, भगवान आप तो अकेले हैं। तो आप कहां कहां जाएंगे? तो मैं दुनिया की रचना करूंगा, इतनी बड़ी दुनिया की, तो कौन माँ बाप का प्यार देगा, कौन ईश्वर की शक्ति उन्हें कहां से मिलेगी? तो विष्णु जी ने बोला तुम चिंता मत करो, मैं माँ के हाथ में वो ताकत दे रहा हूँ, जो मेरी ताकत है वो माँ के हाथ में दे रहा हूँ। माँ बच्चे के सिर पे हाथ रखेगी, उसे मेरी ताकत मिलेगी। और इसीलिए बच्चा दौड़ता दौड़ता जाता है, गिर पड़ता है, रोता है, माँ सिर्फ उठाती है, सिर चूमती है, वो बच्चा हंसने लगता है। मैं हमेशा कहता हूं माँ बाप ब्रह्मा विष्णु और महेश। माँ जन्म देती है, पिता पालन करता है, पर माँ के पास एक ताकत और है, तीसरी, महेश की। जब बच्चे को तैयार करती है, पाउडर लगाती है, तेल लगाती है, तो धीरे से एक काजल का टीका लगाती है। लगाती है कि नहीं लगाती? कि बच्चे को नजर नहीं लगे। और यदि नजर लग गई तो माँ के हाथ में वो ताकत है कि वो 11 मिर्ची लेती है, 21 बार उतारती है, जला देती है, और जलने के बाद मिर्ची में धांस नहीं आती, वो नज़र भी समाप्त हो जाती है। ये नज़र को मारने की माँ को ताकत अगर मिली है तो भगवान से। और इसलिए मैं मानता हूँ कि घर के अंदर जो माँ बाप हैं वो भगवान हैं, उनकी सेवा कर लो। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती। रुकना जरा, देखिए माँ बाप जब घर में होते हैं ना तो हम टेकन फ्रॉम ग्रांटेड लेते हैं कि ठीक है, पर जब चले जाते हैं ना इस दुनिया से तब समझ में आता है कि माँ का महत्व क्या है। उनसे पूछो जिनके माँ बाप नहीं हैं अभी, कि माँ की कमी का एहसास क्या हो। और इसलिए माँ बाप घर में हैं जब तक सेवा करो। मेरी माँ जब तक जिंदा थी ना तब तक मैंने बुखार की गोली भी नहीं खाई, सर्दी की गोली भी नहीं खाई। और मेरी माँ
ऊपर गई कि उसके बाद मुझे शुगर भी हो गया, बीपी भी हो गई। ये माँ की सेवा की ताकत है। माँ हर संकट को झेल सकती है, और इसलिए माता पिता ब्रह्मा विष्णु महेश है, उनकी परिक्रमा कर ली तो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा हो जाती है। गोपाल भार्गव जी आपका स्वागत है। दो लाइन की और मेरी बाकी है बस। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी शीतल है, कितनी सुंदर है, न्यारी न्यारी है, ओ बंधन तो प्यार का बंधन है, मनयु का सरगम है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.